नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। अधिकारियों ने कहा है कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से ईडी ने शुक्रवार को विदेश मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के एक मामले में पूछताछ की है। यह पहली बार है कि जब केंद्रीय एजेंसी पिछले साल उनके खिलाफ खोज करने के बाद उसे ग्रिल कर रही है। उन्होंने कहा कि श्री गोयल का बयान मुंबई में एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत दर्ज किया गया है। अगस्त में श्री गोयल ने मुंबई आवास, उनके समूह की कंपनियों, उनके निदेशकों और जेट एयरवेज के कार्यालयों सहित एक दर्जन से अधिक परिसरों पर खोज की गई थी। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार व्यवसायी के साम्राज्य में निजी तौर पर 19 कंपनियां थी, जिनमें 5 विदेश में पंजीकृत थी। एजेंसी आरोप लगा रही है कि इन फर्मों ने कथित तौर पर बिक्री, वितरण और परिचालन व्यय की आड़ में संदिग्ध लेन देन किया है। यह संदेश जताया है कि कंपनियों ने खर्चों को कथित तौर पर नकली और उच्च लागतों में बुक किया गया था और परिणाम स्वरूप उन्होंने नुकसान का अनुमान लगाया और जेट एयरवेज की ये हालत हुई है। तो ये है जेट एयरवेज की नई अपडेट। अभी तक ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, हम उस सबसे पहले अपनी वीडियोस अपलोड कर देंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, यानी कि फिर मिलने की आशा करते हुए आपसे अभी के लिए विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, शुभ बाय।